completely a pleasure and honor to perform for all these students. And yeah, here I go. I hope you all enjoy. Let me a little introduce you. We welcome Madam Pooja Gaitonde. We all know ki Madam bahut achha Sufi singer hai aur fusion karti hai Sufi singing ke saath. And she has a very good track record. जो अपने ही बातों बातों में अभी बताएंगी. Once you said to Sangeeta कि आप जरूर बातचीत करेंगी, तो I'm not going to introduce you much. आप हमारे स्टूडेंट से बातचीत करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी बातें निकल के आएगी. और जब मुझे बच्चे का तो then we will introduce. जरूर जरूर, definitely. Yeah, without any delay, we start the program. Yeah, sure, sure. Pleasure, pleasure. So I am singing one of my favorite songs. I'm sure it's your favorite too. It's a Bollywood Sufi composed by A.R. Rahman ji. And yeah, here I go. चेहरे पे लिख के लाया अर्जियां सारी चेहरे पे लिख के लाया तुमसे क्या तुम खुद ही समझ लो मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला Mola, 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 Darare, Darare, Maathe pe Mola, Marammat Mukaddar ke kar do, Mola, Meri Mola. I think all the students can clap, clap. Mola, 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 Mere Mola, Mere Mola, 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 Mere Mola, 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 Very good. Darare, Darare, Maathe pe Mola, Marammat Pakadde ke kar do मेरे मौला कर उठा कि मैंने तो कितनी ख्वाहिशें की थी कितने ख्वाब देखे थे कितनी कोशिशें की थी जब रूबरू आया नजर ना मिला पाया सर झुको कि एक पल में मैंने क्या नहीं पाया मौला Mola, Mola, Mere Mola. Very good, Dhanush, I can see you. Mere Mola, 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 Mere Mola, 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 Mola. टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है वरना इबादत वाला शऊर आता है सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगा
आवाज देने रहने दो, अब कहीं ना जाऊंगा, अब जो तुमने ठुकराया तो सवर ना पाऊंगा, मौला 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 मेरे मौला 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 दरारे दरारे माथे पे मौला मरम्मत मुकद्दे के कर दो मौला मेरे मौला. Thank you. Did you like? Yes. Kaisa yes. laga aapko? I'll just Manushi. open their mics. I'll yeah, just yes, yes. Sure, yeah. sure. Okay. So now I have opened everyone's mic. So okay. I have given you the allow to speak with Pooja ji. Okay. Okay. Very so, nice. Yes. How did you like Dhanush? मैम आपने बहुत अच्छा गाया. थैंक यू सो मच. अच्छा लगा फ्यूचर देखेगा लाइक के गलत अच्छा लगा. थैंक यू बहुत अच्छा लगा. अच्छा लगा विचार तो ना विचार. थैंक यू thank you so much Manu, thank you so much. Achha ga achha. Thank you so much. Achha achha. Thank you. Bahut acha hai. Thank you. Thank you so much. Thank you so much sir. Thank you so much. Okay, you all can talk also. आप बातचीत भी कर सकते हो. अगर आपको कोई बात करनी हो तो you can talk to Pooja. Yes, please talk with me, everybody. अगर कोई बातचीत ऐसी है कि yeah. क्या बात करना चाहते हो बताओ. कौन क्या बात करना चाहता है. Yeah, yeah. Please talk with me. Okay, anybody can. मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है. आप बातचीत कर सकते हैं. जी बिल्कुल. हमारे दूसरे बोर्ड मेंबर आनंद महेश्वरी सर हैं. आपका वॉइस बहुत बहुत अच्छा लगा पूजा को सुन के. बहुत दिनों बाद सुना है आज. थैंक यू सो मच. आपको हम लाइव सुन चुके हैं कॉन्सर्ट. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच. कम्प्लीटली माय प्लेजर. तो मैंने आलोक को यही बोला कि शी इज ग्रेट. आपने बहुत अच्छे आर्टिस्ट को बुलाया है. थैंक यू. बहुत सुंदर है. थैंक यू. मनोविकास के सभी बच्चे बहुत खुश हैं. ये अच्छा लग रहा है. बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबको हंसता हुआ देखकर. और काफी स्टूडेंट्स क्लैप क्लैप भी कर रहे थे. आप उन्हीं से बात कर रहे हैं. मुझे बिल्कुल सिमरन दिख रही है. सिमरन हाय कैसे हो तुम. अच्छा लगा तुम्हें. चलो मैं मेरे टच पर ना पाऊं. सिमरन बोलो. थैंक यू अच्छा लगा. आपका फॉलो डालने के लिए. थैंक यू सो मच. मुझे खुशबू दिख रही है. और मैम आपकी वॉइस अच्छी है. थैंक यू. शिवानी दिख रही है. म्यूट इरके स्टॉप वीडियो इरके शेयर इरके मैडम. तो अफ्रोज भी दिख रहे होंगे. अब्दुल्ला दिख रहा है. हाय अब्दुल्ला. सो हेलो अब्दुल्ला. बहुत अच्छा वी हैव वन मोर सिंगर आल्सो. दिख रहा है.
हेलो मनीष, तुम्हारी वॉइस बहुत सुंदर है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. गैलेक्सी जे मैट मैम, जयबीर सिंह जी दिख रहे हैं. जयबीर अभिषेक, थैंक यू. हाय अफरोज, अच्छा लगा तुम्हें? थैंक यू. यस मैम. So now we will go to the next part. Yes, next song. Yes, yeah. Let me mute all. Yes, sure. Then I'll unmute you also. Yes, I've unmuted. Sure. राम राम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रे हमसे हम ही छिन गए हैं, बस देख रहे इतिहास सजदा तेरी गालियां कियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन को तेज दौड़ू सपनों से आगे, अब जहां लूट जाए ये जहां छूट जाए, संग यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा तेरा सजदा, बिन रैन करूं लखवार करूं मेरी जान करूं, अब जान लूट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा. बेलियां क्या हुआ जो दिल से भाया, माहियां इश्क में खुदा मिल गया, पलकों में छुपा लूं सजदा करूं सीने में संभालूं सजदा करूं, पलकों में छुपा लूं सीने में संभालूं, मेरा अंग अंग रंग मेरा बोले अब जान ये right? Who is playing the piano? Shahu, madam. Very nice, very nice. Shahu, very nice. Thank you so much. Yeah. Thank you. Yeah.
guys. Thank you so much. Hello? Hello? मैं नमस्ते मैं अपन विक्रम ओडिशा ओडिशा में थैंक यू सो मच संगीता जी थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी नाइस थैंक यू सो मच प्लेजर प्लेजर कैसा लगा आप सबको कुछ पूछना है मैम ये कौन सा गाना है सजदा था सजदा कौन सी पिक्चर का गाना है ये आई थिंक माय नेम इज खान पिक्चर का गाना है अच्छा तुम्हारे गाना बहुत सुंदर है थैंक यू सो मच अच्छा लगा तुम्हें राशिद मैम बहुत बढ़िया लगा बहुत बढ़िया यस मैम Yes, thank you so much. आओगे जब तुम सुना दीजिए सुबह मैडम सुबह सुबह बहुत अच्छा लगा दूसरा गाना गा लो सुबह अभी वो अच्छा आप सबसे पसंदीदा गाना ना क्यों है बहुत अच्छा था हेलो हेलो जी पूजा मैम क्या क्या सुनाए बताओ आप बताए चलो आपको क्या पसंद है बताइए बोलो बच्चे आप सब बोलो आप लोगों की कोई चॉइस हो तो आप बताइए मैंने माइक ऑन कर दिया सबका हाँ अनम्यूट कर यस यस बताइए बताइए मैम अच्छा सा गाना तुम अगर गे सुंदर ना दो कौन सा तुम अगर एक एक मुझे एक वो गाना मुझे आया है आओगे जब तुम साथ में ऐसे कुछ आया है ना गाना थोड़ा सा सुनाती हूँ मैं वो है ना माँ बाप ना दादा आओगे जब तुम हो साजना अंगना फूल खिलेगी बरसेगा सावन बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे आओगे जब तुम हो साजना क्या बात है अनमोल स्टार्ट योर वीडियो स्टार्ट योर वीडियो अनमोल सर या ओके गिव द आई कैन नॉट सी अनमोल यस अनमोल कम ओके आई कैन शो यू या बोलो गाना गा गाओ सर मैं मतलब बस ऐसे ही मैंने बोल दिया मैम थोड़ा सा बोलो 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 नहीं नहीं गाओ गाओ बिल्कुल गाओ हेलो मैम आई कैन हियर यू हेलो 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 मैम कैसे हो आप बस बस एकदम फाइन आप बताएं आप कैसे हैं अच्छा हूँ मैम अभी मतलब मैं अभी कल परसों थोड़ा ऐसे ही सुन रहा था वो गाना राशिद खान जी की आवाज में तो जी बिल्कुल याद आ गया गाइए थोड़ा गाइए होगे जब तुम हो साजना अंगना फूल खिलेंगे बरसेगा सावन अनमोल अनमोल फिर से एक बार थोड़ा वॉइस क्रैक हो रहा है थोड़ा सा हाँ सुनो
चंदा को ताको रातों में है जिंदगी तेरे हाथों में. एक्चुअली मैं आपकी स्किल से गा रहा हूँ, जहाँ से आपने उठाया था ना गाना. हाँ आप 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 गाइए अपनी स्किल से. आंखों में जल मिलता रे है आना भरी बरसातों में सपनों का जहाँ होगा खेला खेला बरस गा सावन सावन झूम झूम के बोध ऐसे मिलेंगे आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे. Lovely, lovely. Very nice. Anmol. And Anmol, beautiful. Anmol, he is a good boy. And I can tell you, he is doing the special education course. He is becoming he will become the special educator. But I have seen after, you know, many, many days, many months, जब से लॉकडाउन हुआ है तब मैं पहली बार देख रहा हूँ इसको. इसने तो दाढ़ी बढ़ा रखा है. ब्यूटीफुल वॉइस. कीप इट अप एंड गो अहेड. आई मीन जोली नाइस. कीप ब्लेसिंग अस. कीप ब्लेसिंग अस. 100% गॉड हैज बीन काइंड. गॉड विल ब्लेस यू विद ऑल हिज. या थैंक यू सो मच. ओके सो I think एक last song पेश करूँ फिर. Last से last नहीं second last. Yeah. So ठीक है मैं अभी मेरा mood ठीक है ये गाते हैं. क्या बॉलीवुड पेश करूं या बॉलीवुड. बॉलीवुड ही अच्छा. बच्चे हमारे जो है ना बॉलीवुड ज्यादा हो जाए. ज्यादा वो प्रेफर करते हैं. ठीक है नो प्रॉब्लम. आई विल सिंग. ठीक है ओके हियर आई गो. ना तेनु समझावारी ना तेरे बिना लगदा जी. मैं तेनु समझावारी ना तेरे बिना लगदा जी. हर दुखी जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार. तू दिल तो मैं तेनु समझावागी. मैं तेरे बाजू लगदागी. हाय मेरे दिल च रखे मेरे दिल दा हाल न जाने. तेरे बाजू कलिया बैठे रोंदे नैन नु माने. मेरे दिल च रखे मेरे दिल दा हाल न जाने. तेरे बाजू कलिया बैठे रोंदे नैन नु माने. जीना मेरा मरना मेरा नाल तेरे सीकर एतबार. मैं तेरा इंतजार तेरा तू दिल तू यू जानेरी. मैं तेनु समझावागी
मैं तेरे बाज Thank you. Thank you so much, everyone. Yeah. Everyone is very happy today. I am so happy that everybody is happy. Yeah. It's very pleasurable for me. Pooja ji ne aaj hame थोड़ा सा मैं मेरा नेटवर्क इशू हो गया था मैं शुरू से ज्वाइन नहीं कर पाई जी पूजा जी के लिए मैं जो भी कहूँ वो कम है क्योंकि पूजा जी का मैंने बहुत कुछ सुना है सूफी बहुत कुछ है खासकर मुझे वो बहुत पसंद है छाप तिलक की और उसका पर्टिकुलर वो वाला वो मुखड़ा जिसमें आप गाते हो कंकड़ी वाला लवली मुझे वो पहला मुझे तो प्लीज वो सुना के बहुत बढ़िया हम सब के लिए क्योंकि मैं पूरा सुनी हूँ आपका वो तो मैं यही कहूँ कि आज हमारे बीच में पूजा जी अपना एक बहुत बहुमूल्य टाइम जो हमें दे रही है तो कहते कि संगीत जो है एक ऐसा जादू होता है कि जो कोई भी उदास मन को बहुत मतलब चेंज कर देता है एक बदलाव ला देता है तो मैं गा तो नहीं सकती हूँ लेकिन दो लाइन सुना रही हूँ आपके लिए कहते हैं जो दिल का वो खूबसूरत कहते हैं जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ऐसे लोग कम बनाते हैं आज हमारी मनभावन के महफिल में जो आए हैं वो हमारी पूजा जी पूरे मनभावन के महफिल को खूबसूरत बना दिए थैंक यू सो मच क्या बात है थैंक यू सो मच मुझे खुद बहुत अच्छा लगा कि आप सबसे मुलाकात हो गई वर्चुअल सेलिब्रेशंस हो गए म्यूजिक के आई थिंक और मैं कहूँ थैंक यू बिनी को बिनी सी इज आवर बोर्ड मेंबर आल्सो एक्स बोर्ड मेंबर तो उन्होंने काफी मतलब सी हैज डन एंड राइट छाप तिलक जो है कि मैडम ने जरूर किया है और चैट बॉक्स में जो आपका सिग्नेचर सॉन्ग है सांसों की माला ये दो सॉन्ग तो बिना सुने तो बच्चे आपको जाने देंगे नहीं मैं सांसों की माला और थोड़ा फिर छाप तिलक जरूर सुनाती हूं फिर आई थिंक वी थैंक यू नो प्लेजर सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीता नाम सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीता नाम अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम सांसों की माला पे प्रेम के रंग बन गया एक ही रूप बन गया एक ही रूप प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप बन गया एक ही रूप प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शान सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीताना सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीताना थैंक यू ग्रेट थैंक यू सो मच I think छाप तिलक थोड़ा सुनाती हूँ yeah. वो कंकरी वाला पार्ट अनिल वांट टू से समथिंग अनिल यू वांट टू से थैंक
70. Thank you so much. I think yeah. Thank you so much. You liked it, Anil? Yeah. Anil, आप कुछ बताना चाहते हो? आपको कैसा लगा? बताओ. अच्छा. अच्छा लगा. और कुछ सुनना है? मेरे को भी अच्छा लगा. ओके. तुमको भी अच्छा लगा? Very good. ये देखिए ये he is also good boy. और he is doing the yeah he is in class 8. His class wow, mein? Nahi, 10. Nice. 10. Oh, he's in class 10. Yes. Yeah. Lovely. That's and so nice. Anil is doing the skill development course in wow. hospitality or IT. That is really nice. Really nice to know. Many of them. And then I have Manoj. He is good in... Manu. Yeah, he is good in share marketing. And wow, that's so nice. That's so, so nice. We have the everywhere in each camera. You will find the all are the kalakars. Yes, yes, of course. I'm sure. Gagan, I'm sure. Gagandeep, she is in class 10th. I think so. Hello. सोहम को भी कुछ बोलना है. अच्छा. सोहम को भी बोलना है. Okay. हाँ हाँ. सोहम बोलो बोलो सोहम. सोहम बोलिए. आप अपना माइक ऑन कर लीजिए सोहम. ये पुनम के काम है. हाँ. आप माइक ऑन कर लीजिए सोहम बोलिए. बोलिए बोलिए सोहम. सोहम माइक अनम्यूट करो. अनम्यूट कर लो माइक सोहम. लगता है नेटवर्क इशू है. तो सोहम सोहम हैज द वेरी गुड वॉइस आल्सो. And oh he has wow, the, that's yeah, nice. He has the low vision, come dikhta kam hai, but he is good in his work and everything. He's very particular. I'm sure. Thank you so much. It's a pleasure. Yeah. Lovely to meet you, everybody. Now you can. Yes. Yeah. Yes, I will definitely. Yeah, I will sing that. Khusro rain suhag ki jaagi pee ke sang tan mero man ki ho ko so dono hi ek hi rang छाप लग कब थी ने मुझे नैना मिला के छाप लग सब थी ने मुझे नैना मिला के नैना मिला के नैनो में आई के नैना मिला के नैनो में आई के मतवारी कर दी रे मुझसे नैना मिला के छाप लगे बल बल जाऊ मैं तोरे रंग रे जवा मैं तोरे रंग रे जवा मैं तोरे रंग बल बल जाऊं मैं तो तोरे रंग अपने पिया की बल 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 जाऊं मैं अपने सजन के बल बल जाऊं मैं तो अपने पीहू के बल बल जाऊं सुन बहारा रंग रे जवा आज मोहर दो तो सुन 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 बाबा मगे रे गामा बगा मेरे सा सुन सुन महारा रंग रेज पांच मोहर दो तो ऐसी रंग दे चुनरी पिया गले लगा ले मोए के मैं तो तोरे रंग रेज मैं तोरे रंग रेज मैं तोरे रंग रेज तनिक तंग करी नैन में लागी नैन हुए बेचैन तनिक तंग करी लागी 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 बस नैन में लागी बस नैन में लागी तनिक तंग करी नैन में लागी नैन हुए बेचैन उन नैनन में चैन कहाँ है जिन नैनन में नैन
कर पिचकारे चो मुख मारी तन मन सब रंग दीन के मैं तो तोरे रंग रे जुवा मैं तोरे रंग रे जुवा मैं तोरे रंग रे जुवा बल बल जा बल बल जा मैं तोरे रंग रे जुवा अपनी तेरा मिलाए थे अपनी के रंग दी धीरे भोसे नैना मिलाए थे छाप लग सब छीनी रे भोसे नैना मिलाए थे रे कोरोना भाग चला जाएगा आपका स्टाइल से आपका भाई से थैंक यू सो मच मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे इंटरेक्ट करके आप सबसे मुलाकात करके और Bini, you want to say something? Yes, I wanted to thank Pooja for this soulful music. Thank you so much, it's completely my pleasure. And I just enjoyed it. I have one question for Pooja ji. Pooja ji, maybe this could be or this is a unique concert for you. the audience is also unique. They are very special. And they are. If you see the windows, I have seen all the windows. Everybody has enjoyed a lot. I am so happy. I think that was the purpose. And I'm so happy that the purpose is fulfilled. And I am happy that बच्चे के साथ parents भी enjoy लेते हैं. Great. Thank you so much. मैं क्या कहूँ बस बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से पूजा ने अपना नाम कमाया है सूफी म्यूजिक में इन पर्टिकुलर एंड आई वांटेड टू ऐड माय थैंक्स टू विनी आल्सो फॉर कनेक्टिंग पूजा विद मनोविकास टीम और मनोविकास फैमिली स्पेशली जो बच्चे हमारे सारे स्पेशल चिल्ड्रन हैं गॉड की स्पेशल गिफ्ट हैं उन सब से इस तरह से आपका संवाद हुआ और बच्चों ने जिस तरह से अपनी मुस्कान और अपनी खुशी के साथ आपको हाथों हाथ लिया है वो बहुत अच्छा लगा तो ये नहीं मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा आलोक आप इसी तरह से इनको बुलाते रहिएगा जरूर जरूर सर एक्सक्यूज मी सर जाने से पहले मैडम को बोल दीजिए सब एक ही साथ हम होंगे कामयाब COVID-19 के लिए बोलेंगे हम होंगे कामयाब जरूर हम होंगे कामयाब बिल्कुल होंगे कामयाब जरूर जरूर बिल्कुल क्या बात है वाह क्या बात बहुत अच्छा क्या बात है वेरी गुड क्लैप फॉर योरसेल्फ एवरीबॉडी वेरी गुड माय बेस्ट विशेस टू एवरीबॉडी एंड माधव को कुछ बोलना है एक काम बोलिए माधव बोलिए 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 माधव भारी अरे थैंक यू खूब धन्यवाद हेलो सर धन्यवाद यस सर सोहम हाँ बोलिए सोहम मेरे को गाना गाना है सुना ही दो वो तो सोहम अगर कोई भी हमारे पास सिंगर आ जाए वो बिना अपना गाना सुनाए नहीं भेजता नहीं नहीं सुना दो यस थोड़ा सोहम थोड़ा कैमरा में शक्ल दिखा दो वो तुम हाँ बोलो 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 सुनाओ सा नी भ प
बहुत सुंदर मधुर बन बंसी बजावत अरे वाह क्या बात है वेरी गुड संग गयो गोवन नादी मधुर जाओ और दीनागत जल थल नाव चर सुन सुख पावत सरत नीत निज पूर सुवाओ काना मधुर बन बहुत ही अच्छा सोना वेरी गुड नाम दूर बन मधुर बन मधुर 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 पूजा जी बहुत ही अच्छा लगा और मैं तो चाहूंगा कि बहुत अच्छा लगा मैं तो चाहूंगा कि आप जरूर हमारे मनोविकास फैमिली के लिए हमारे मनोविकास के लिए जो है कि ऐसे ही आते रहिए जरूर जरूर श्योर हाँ थैंक यू एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एक दिन अच्छा मन में विश्वास बाय बाय अब मैं साहू मैम मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि मैं सारे बच्चे का म्यूजिक खोल रहा हूँ सब बच्चे का आपने माइक खोला है और अब आप एक हम होंगे कामयाब सुना के दिखाइए जी जी सर थैंक यू सो मच मजा नबील खान जी हमारे बीच में आ गए हैं स्टार्ट कीजिए स्टार्ट कीजिए वन टू थ्री स्टार्ट मोहंगे कामिया मोहंगे कामिया हम चलेंगे साथ साथ चलेंगे साथ साथ डालो हाथों में हाथ चलेंगे साथ दिन मन में विश्वास पूरा है विश्वास होंगे कामयाब होंगे कामयाब होंगे कामयाब होंगे कामयाब एक दिन पूरा दिशा होंगे कामयाब शांति चारों ओर
शांति तारो भी शांति तारो एक बिन मन में है विश्वास पूरा है विश्वास होंगे कामिया होंगे कामिया हम होंगे कामिया हम होंगे कामिया एक दिन मन में है विश्वास Amohane kamiya great. Thank you. Nabeel ji, aap apna mic on kariye, unmute kijiye. Nabeel ji. Nabeel Khan ji, aap apna mic unmute kijiye. Yeah. Wait. And then Sangeeta. Yes. Yeah, great. Sangeeta madam, you unmute your mic. Yeah. Yeah. And jaisa ki hamare ek minute, main Bini ko bhi thoda sa unmute karta hu. Manbhavan ke humne first part mein humne sangeet ka bahut sufi sangeet ka aanand liya. To aaj hum yahi nahi rukenge. Hum ab chalenge apne dusre kalakar ke paas. और अपने कलाकार को आमंत्रित करने के लिए मैं अपनी दोस्त इंदिरा जी से कहती हूँ कि प्लीज उनका मनभावन में वेलकम करें। ओह वेरी गुड। इंदिरा मैडम, यू अनम्यूट योर माइक। जी। या। थैंक यू संगीता मैम। अभी हम लोग कुछ पल पहले ही सूफी संगीत को सुन रहे थे, उसमें खोए हुए थे, लेकिन अब हमारा अगला पड़ाव सारंगी को सुनना और समझने का है। मैं श्रीमान नबील खान जी का स्वागत करती हूँ। नबील खान जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। खान साहब एक ऐसे परिवार से हैं जहाँ पे संगीत सभी व्यक्ति के रग रग में शामिल है। कहते हैं कि जिस परिवार में संगीत पहले से ही बसा हो तो उनके घर में जो भी नन्हा मेहमान आता है वो भी उसी में खो जाता है। ऐसा ही कुछ खान साहब के साथ भी हुआ। खान साहब बहुत ही छोटे उम्र से, लगभग 7 वर्ष की आयु से ही अपने दादाजी पद्म भूषण उस्ताद नासिर खान से सारंगी की शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। उस्ताद साबरी खान साहब, साबरी खान साहब, सॉरी उस्ताद साबरी खान साहब, और साथ ही अपने पिता उस्ताद नासिर खान से भी उन्होंने शिक्षा ली। अगर मैं कहीं गलत हूँ नबील खान जी तो आप मुझे जरूर टोक दीजिएगा, ठीक है। साथ ही इन्होंने अपने चाचा और कई कलाकारों के साथ जुगलबंदी भी की है। आज जैसे बच्चे आपके बीच जो महान हस्ती हमारे साथ हैं, आपने कभी पहले सारंगी सुना नहीं होगा, तो इसलिए आज का अवसर और भी खास हो गया है। एक नए संगीत के साथ साथ एक नए वाद्य को सुनने का अवसर भी हमें मिल रहा है। खान साहब सिर्फ देश विदेश में ही नहीं, मुख्यतः उन्होंने अपना जो परफॉर्मेंस है वो विदेशों में इटली, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे आदि कई बड़े शहरों में परफॉर्म किया है और ये कई यूथ फेस्टिवल में भी हिस्सा ले चुके हैं। तो आइए हम इनकी खूबियों को कुछ पल अपने अंदर सजो के रखें और एक नए वाद को सुनने और समझने का अवसर प्राप्त करें। फिर से नबील सर का स्वागत है और सभी बच्चों से मैं कहूंगी कि ये एक बिल्कुल नया वाद है, इसलिए आप लोग अगर इसको अच्छे से सुनिएगा समझिएगा तो काफी अच्छा अनुभव आपको प्राप्त होगा। थैंक यू नबील जी, थैंक यू। आप अपने आप में यंग है, यूथ है, तो वी नो कि अभी जो है यूथ लोग देखते हैं कि अलग अलग नए नए तरीके का वाद्य यंत्र बजाते हैं और जी और ये सारंगी जो है एक अगर देखा जाए तो थोड़ा सा लुप्त होता हुआ जा रहा है। और अगर आपके जैसे यंग लोग अगर आकर सारंगी को प्रमोट करेंगे तो हमारे ख्याल से आने वाले दिनों में, आने वाले समय में सारंगी का भी एक अच्छा मुकाम तो है ही और भी अव्वल मुकाम हो सकता है। तो आपका स्वागत है।
और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट दरख्वास्त करूंगा कि हमारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा बता भी दिया कीजिएगा कि ये क्या है कैसे। मैं हाँ। यही सोच रहा था कि सारंगी जो कि बहुत ही रेयर इंस्ट्रूमेंट है हमारे देश का और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि सारंगी मेरे स्कूल में मेरी वजह से जानी गई थी जब मैं छोटा था। तो मैंने ये सोच रखा था कि मैं बच्चों को सारंगी के बारे में जरूर बताऊंगा। जब भी मैं किसी स्कूल में वर्कशॉप लेता हूँ वो इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो तो मैं एक्सप्लेन जरूर करता हूँ सारंगी के बारे में, क्योंकि ये बात मुझे भी पता है कि कितना खूबसूरत साज है प्लस बहुत रेयर है, ये इतना फेमस नहीं है। तो ये बात मैंने सोची थी कि मैं इसके बारे में बताऊंगा। ग्रेट, ग्रेट। और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और बजाने का मौका दिया, और मैं जरूर जो है सारंगी के बारे में भी बताऊंगा। मैं चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत बहुत भी शुभकामनाएं भी हैं कि बहुत आगे जाए, और आप लोग बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही जो है करते रहिए, ऊपर वाला आपको बहुत नवाजेगा इंशाल्लाह। थैंक यू। तो सबसे पहले जैसे कि आपने बताया कि मैंने अपने नाना पद्मभूषण उस्ताद साबिर खान साहब से सारंगी की तालीम हासिल करी, जो कि उनके बारे में कुछ शब्द ही नहीं मिलते। वो इतने महान शख्स थे और उन जैसा सारंगी प्लेयर मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा, और ना मुझे लगता है कि कभी ऐसा सारंगी प्लेयर होगा। जो मुकाम जो उन्होंने चीजें हासिल कर रखी थी एज अ सारंगी प्लेयर, वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सारंगी एक बहुत ही मुश्किल साज है, बहुत ही मुश्किल साज है, और ये बजाना उतना ही मुश्किल है। ये बजाना ही उतना मुश्किल है क्योंकि ये इकलौता एक ऐसा साज है, इकलौता एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अपने क्यूटिकल से बजाया जाता है, नाखून के ऊपरी वाले हिस्से से। और आप देखेंगे सितार, गिटार, सरोद, या आपका वायलिन हो गया, या चेलो हो गया, या फिर डबल बेस हो गया, या किसी भी प्रकार का बोर इंस्ट्रूमेंट हो गया, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, वो खाल से बजता है, यहां से, इन जगह से। लेकिन ये इकलौता एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्यूटिकल से बजाया जाता है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है। तो उन्होंने जितना इज्जत मुकाम हासिल करा मेरे नाना ने, उनको सारंगी सम्राट कहा जाता है, जो कि किंग ऑफ सारंगी उस्ताद पद्मभूषण उस्ताद साबरी खान साहब, और उनकी पोस्टेड स्टैम्प भी रिलीज हुई, पोस्टेड स्टैम्प डाक टिकट, जो कि अपने आप में बहुत ही प्राउड मूवमेंट वाली बात है मेरे लिए कि किसी खानदान में से किसी का नाम गवर्नमेंट के अंदर आया। उनकी जो है पोस्टेड स्टैम्प रिलीज हुई लास्ट ईयर और मैंने बजाया 2018 में, सॉरी, हैबिटेट सेंटर में वो सेरेमनी हुई थी। तो मतलब सारंगी का नाम आता है तो सबसे पहले उस्ताद साबरी खान साहब का नाम हम याद रखते हैं। और मैं मुरादाबाद सैन्य घराने से बिलोंग करता हूँ, मुरादाबाद एक यूपी में है, और मेरा घराना जो है वहां से बिलोंग करता हूँ। मैं रहता दिल्ली में हूँ, मैं पैदा भी दिल्ली में ही हुआ, और मैंने अपने मामा उस्ताद कमाल साबरी जी, अपने फादर उस्ताद नासिर खान साहब से भी सारंगी की तालीम हासिल करी। तो मैं थोड़ा सा आपको जो है स्टार्टिंग में ही बजाने से पहले सारंगी की कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सारंगी से अवेयर नहीं होंगे और सारंगी के बारे में आप लोगों ने जो है मुझे लगता नहीं कि किसी बच्चे ने सारंगी देखी होगी या पहले नहीं, या जानते होंगे, मुझे ऐसा नहीं पता, क्योंकि बहुत रेयर इंस्ट्रूमेंट है और मैं अच्छी तरीके से जान सकता हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल में था 7 साल की उम्र में तब मैंने सारंगी सीखनी शुरू करी थी, और उस टाइम मुझे सारंगी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था सारंगी में, मुझे तबला में इंटरेस्ट था, क्योंकि बच्चा है तबले को बम 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 पसंद आता है, या फिर क्रिकेट मुझे खेलना पसंद था, क्रिकेटर मैं बनना चाहता था बचपन से। तो मेरे फादर ने चाहा कि नहीं मेरा बेटा सारंगी बजाएगा, क्योंकि सारंगी बहुत रेयर इंस्ट्रूमेंट है और हमारे घराने में जो एक परंपरा चली आ रही है, क्योंकि हम लोग सारंगी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा आगे, हमारा घर का बच्चा बजाएगा तो ये कल 10 बच्चों को इंस्पायर करेगा, फिर जब बड़ा होगा तो उसके लिए ऐसे 20 यंग जनरेशन इंस्पायर होगी कि वो भी सारंगी सीखेगी, हमारा घराना ऐसी तो चलेगा आगे, लेगेसी ऐसी तो चलेगी। अगर वहीं रुक जाती या मैं क्रिकेटर बन जाता तो सारंगी वहीं रुक जाती, अब मैं चलाया हूँ, अब इंशाल्लाह आगे वाले आने वाले बच्चे चलाएंगे, तो ये रहता है। तो मेरे स्कूल में जब मैंने फर्स्ट टाइम सारंगी बजाई 7 साल की उम्र में अपने स्कूल असेंबली में, तो वहां लोगों ने जाना कि यार ये क्या बजा रहा है, तुम वायलिन बजा रहे हो क्या, क्योंकि वायलिन बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट है। मैंने बोला दिस इज नॉट वायलिन, दिस इज कॉल्ड सारंगी,
ये हमारा इंडियन इंस्ट्रूमेंट है और आप वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रख रहे हो, अपने इंडियन इंस्ट्रूमेंट को भूल रहे हो, इसमें गलती जो है हम लोगों की भी है, क्योंकि इतना मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है कि पुराने लोगों ने या नए लोग जो आ रहे थे उस दौर में 2007-08 में, वो अपने बच्चों को सारंगी नहीं सिखा रहे थे, क्योंकि वो जान गए थे इस बात में कि सारंगी जो है बहुत ही मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है, तो हम अपने बच्चों को गाना, तबला, हारमोनियम या सितार सिखाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। अगर आपने सीख ली तो बहुत बेस्ट है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये मेरी वजह से लोग स्कूल में जाने इसके, तो मैं थोड़ा सा आपके लोगों को सारंगी के बारे में बताना चाहूंगा। पहले आप लोग इसको देखिए, ये कितना प्यारा साज है, तो इसे कहते हैं हम सारंगी। सारंगी जो है हमारे देश का, हिंदुस्तान का बहुत ही पुराना और शास्त्रीय इंस्ट्रूमेंट है। इसे हम जो है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बजाया जाता है, शास्त्रीय संगीत में हमारा इसको काउंट करते हैं हम, और इट इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच इज क्लोजेस्ट टू ह्यूमन वॉइस। एक इकलौता एक ऐसा साज है जो कि हमारे गले के आवाज के बहुत क्लोज है, इतना हारमोनियम क्लोज नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऑल इंडिया रेडियो ने 1960 या 1950 में एक लेटर लिखा था कि हारमोनियम इज नॉट कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट। हारमोनियम कंप्लीट नहीं है क्योंकि उसमें फिक्स नोट्स हैं, उसमें हम ये तो बजा लेंगे सारे गा म ग रे सा, ये तो बज जाएगा उसमें, ये बच जाएगा हारमोनियम में, लेकिन ये चीज नहीं बच पाएगा सारे रे गा, वो मीट नहीं निकल सकती वायलिन में, वो निकल सकती है सिर्फ सारंगी में। सारंगी हमारे गले की आवाज है, चाहे वो सिंगिंग हो, कोई भी किसी भी प्रकार का संगीत हो, वो सारंगी सारे गा, ये चीज हारमोनियम में नहीं निकल सकती। सो दैट्स व्हाई सारंगी इज कॉल्ड द ओनली इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज क्लोजेस्ट टू ह्यूमन वॉइस। ये हमारे गले की आवाज की बहुत क्लोज है, और जो मैंने आपको पहला बताया कि ये इकलौता एक ऐसा साज है जो कि क्यूटिकल से बजाया जाता है। तो सारंगी की मैं थोड़ी आपको हिस्ट्री बताता हूँ, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है। फिर कभी जब मैं कभी जब ठीक होगा तो लाइव इंशाल्लाह करूंगा आपके सामने। तो सारंगी जो है हमारे देश का बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है, मगर ये आया मिडिल ईस्ट से, ये मिडिल ईस्ट से आया, एशिया में आया, नेपाल में आया, देन इंडिया में आया, और अमीर खुसरो साहब ने इसका स्ट्रक्चर काफी बदलने की कोशिश करी, लेकिन जो इसका वुड है वो हमेशा तुन वुड रहा। तुन एक लकड़ी का नाम है, एक पेड़ की लकड़ी का नाम है तुन, TUN, तुन। तो उस लकड़ी से जो है सारंगी बनी आ रही है, और दो इसके मेकर्स रहे हमेशा, मसीदा खान साहब और बहरा खान साहब। बहरा खान साहब इसलिए उनका नाम रखा गया क्योंकि वो बहरे थे, वो सुन नहीं सकते थे, तो उनका नाम उस जमाने में रखा गया बहरा खान साहब, और वो उसी वजह से जो है फेमस हो गए कि अच्छा बहरा खान साहब जो सारंगी बजाते हैं, हाँ वो वाले सारंगी, हमें उनके उनके हाथ की सारंगी चाहिए। और वो उनके हाथ की सारंगी इंडिया में ही इतनी फेमस हो गई कि वो वर्ल्ड वाइज यूके से आज डिमांड आती है। लंदन का एक मेरे फादर का स्टूडेंट है, वो बहरा सारंगी का बहुत दीवाना है कि मुझे बहरा सारंगी चाहिए। एक मसीदा खान साहब होते थे, ये मसीदा खान साहब के हाथ की सारंगी जिसका ये निशान है। तो ये टू मेकर्स रहे हैं जो कि बहुत फेमस रहे हैं, और उन्होंने 60% सारंगी में योगदान रहा उनका बनाने का, और 60% सारंगी आज दुनिया में उन्हीं के हाथ की है, पुरानी सारंगी। और ये मेरी सारंगी है, ये 100 साल पुरानी है। और जी ये सारंगी है 100 साल पुरानी है, इसको मैंने पॉलिश करा रखी है ताकि लगे कि हाँ यार पुरानी नहीं है, क्योंकि आप रिपेयर कराते रहते हो अपने घर को भी, व्हाइट वॉश कराते हैं, तो मैं भी सारंगी को व्हाइट वॉश कराता हूँ, किन नहीं लगा देता हूँ। एक चीज पुरानी है तो पुरानी लगेगी, लेकिन आप उसको अगर व्हाइट वॉश करा देंगे तो वो नहीं लगती है, रिपेयरिंग करा देते हैं तो वो नहीं लगती है, तो वो चीज जरूरी है। मैं पार्ट स्पेस पे धीरे आता हूँ, पहले मैं बताता हूँ आपको कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताता हूँ। तो ये एक और एक बहुत फैक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं, अपने दिमाग में नोट करेंगे तो बेटर रहेगा, कल को कोई आपसे कुछ सवाल कर सकता है तो आप पूछ सकते हैं। ये एक और बहुत बड़ा फैक्ट है कि सारंगी जो है ह्यूमन वॉइस की नहीं, ह्यूमन स्ट्रक्चर से भी रिजेंबल करती है। जो हमारा
बॉडी है, बॉडी शेप है या बॉडी स्ट्रक्चर है उससे मिलती जुलती है. अब वो कैसे, ये देखिए इसका हेड है और उसके बाल भी बड़े अच्छे हैं, स्पाइक्स एकदम आज के जमाने के, ठीक है. उसके बाद इसकी दो आंखें हैं, टू आईज. उसके बाद इसका मुंह, माउथ, देन चेस्ट, ईयर्स, देन स्टमक. सो और ये एक लौदा एक ऐसा साज है जो कि हमारे सीने से लगाया जाता है. कान जो है हमारे सीने की धड़कन सुनती है और फिर वो बजती है. और हमारी चाह, हमारा जो रियाज करने का तरीका होता है, वही सोच के करते हैं कि हम ऐसा सुर लगाएं जो सामने वाले के दिल को छू जाए और उसकी दिल से निकले कि वाह क्या बात है. तो वो हमारी कोशिश रहती है. तो मैं इसके स्ट्रक्चर पे आता हूँ अभी. इसे हम बोलते हैं प्लक. ये कैमल बोन की बनी होती है. इट इज अ मेड अप ऑफ बोन. ये इसका एक स्टाइल है. और ये होते हैं पैक्स. इसे हम खूंटी बोलते हैं. इसे ट्यून करने के लिए काम आती है ये. और ये जो ऊपर वाली है इसको भी हम ट्यून करते हैं, लेकिन एक ट्यूनर से, क्योंकि ये बहुत हार्ड है. इसको हम हाथ से कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ट्यूनर से करते हैं. ये इसको हम ट्यूनर बोलते हैं. इसको हम इस तरीके से जो है रखें और ट्यून के हिसाब से उसको हम घुमाते हैं. और ये जो इसकी जो मेजर स्ट्रिंग्स होती है जिससे सारंगी बजती है वो होती है थ्री स्ट्रिंग. इट हैज थ्री मेजर स्ट्रिंग व्हिच इज सा पा सा. इसकी थ्री मेजर स्ट्रिंग्स होती हैं और 36 अंडरलाइन स्ट्रिंग. टोटल 39 स्ट्रिंग्स हमारी सारंगी में होती है. और ये जो आपको दिख रहा है फिंगर बोर्ड, इस ये भी जो है कोई कोई लोग प्लास्टिक यूज करते हैं, कोई कोई बोन यूज करता है. मैंने जो है बोन लगवा रखी है क्योंकि वो ट्रेडिशनल स्टाइल है, इसमें हाथ अच्छा स्लिप होता है ये भी. और ये जो है ये है गोट स्किन. ये गोट स्किन की बनी होती है जिससे जो है तबला बनता है, पखावज बनता है, सरोज जिस पे लगता है वही चीज इसमें लगती है. और ये जो होती है ये गट स्ट्रिंग्स होती है. और इसके नीचे ये ब्रिज, इसको हम ब्रिज कहते हैं. ये भी जो है कैमल बोन से बना होता है. तो ये मैंने आपको जो है स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बताया इसका. और अब जो है मैं अब सुनते हैं एक बार. अब जो है मैं आपको इतना तो किसी को मालूम भी नहीं था. इतना तो हमें हम लोग भी कभी नहीं सोच पाए थे कि राग किरवानी मैं थोड़ा सा बजाता हूँ आपके सामने. जी जी स्टार्टिंग में अलाप करके दिखाऊंगा. अलाप हमारे शास्त्रीय संगीत में जो बहुत मेन रोल अदा करता है. किसी भी राग को अगर आपको दिखाना हो तो सबसे पहले आप जो है उसका अलाप बजाना आपको जरूरी होता है. और अलाप जो है आप कंपेयर कर सकते हैं शांति, पीस से. तो बिल्कुल शांत होके आंखें बंद करके मेरे अलाप का जो आनंद है, मैं 5-10 मिनट अलाप करूंगा, उसका जो है आनंद लीजिए, राग किरवानी का फील लीजिए. आप सब लोगों से मैं इजाजत चाहता हूँ. या yeah, yeah.
एक कॉम्पोजिशन सुनाऊंगा मैं आपको जो कि एक ताल पर आधारित है. एक ताल मतलब 12 मात्रे जिसमें 12 बीट्स होती हैं. मेरे पास लाइव तबला नहीं है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक का यूज कर रहा हूँ मोबाइल से. आपको तबला आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है. ओके वेरी गुड. 12 मात्रे होती है. बिन दिन धागे त्रिकिट तू ना बत्ता धागे त्रिकिट धिन ना धिन धिन पर जो है सम है तो आप काउंट करिएगा. तोरे बिना मोहे चैन तोरे बिना मोहे ब्रिज के नंदला तोरे बिना मोहे चैन Thank you.
ताल में एक और बंदिश और हमारे सारे बच्चे इतने अच्छे से मतलब घुले हुए थे उसमें शांति से, ये बहुत अच्छे. थैंक यू. वो बहुत अच्छे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने सुना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा सारंगी का स्टाइल भी थोड़ा चेंज किया है. क्योंकि जब मैं छोटा था मुझे भी थोड़ा बोरियत सी लगती थी, ज्यादा लाभ हो जाता है तो बच्चों को जो है आनंद नहीं आता. थोड़ी सी वैरायटी डालनी पड़ती है, तानों की वैरायटीज, स्पीड की वैरायटीज, तो जो है बच्चों को इंटरेस्ट आता है. तो मैंने वो चीज थोड़ी डिफरेंट करने की कोशिश करी है. तो मैंने आपने देखा होगा ज्यादा देर तक अलाप नहीं बजाया मैंने, इसीलिए बच्चे पहली बार सुन रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्ट ऐसे ही आएगा. एक ने बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, जब भी सुनता हूँ धुन ये बेताब कर देती है,
जिंदगी की उलझनों को सहज ही सुलझा देती है। क्या बात है, काफी अच्छा। बलकार सिंह जी ने लिखा है और काफी अच्छा लिखा है। सो वेरी यूनिक साउंड इंस्ट्रूमेंट टू। बहुत, अब मैं तो देख रहा हूँ कि काफी सारे आपके वो आए हैं इसमें, सो स्वीट म्यूजिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोगों ने यहाँ बुलाया, सब बच्चों को सारंगी के बारे में बताया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और सारंगी सबको पता होनी चाहिए। तो अभी लॉकडाउन जब खत्म होता है तो एक बार जो है बैंगलोर में, एक चैरिटेबल ट्रस्ट था बैंगलोर में, मैंने लास्ट ईयर किया था वर्कशॉप, तो वहाँ भी काफी अच्छा रहा। दिल्ली में भी मैंने एक दो जगह किया है। नहीं, अब मनोविकास में भी हम लोग करेंगे। और हमारे ये स्पेशल बच्चे हैं आज, तो आपने देखा ही है, सारे स्पेशल हैं। और उसको उसको जब आप उसके साथ जब आप मंत्रमुग्ध होते हैं, जब उनको मंत्रमुग्ध कर देते हैं, तो वो जो एक रूह की जो खुशबू है ना, वो म्यूजिक के साथ कैसे उतर के आ जाती है, पूरा वही दिखने को मिला। सारे बच्चे एकदम फिट थे और सभी एक दूसरे, चलिए एक मोबाइल के जरिए आप सुन रहे हैं, जब आप सामने सुनेंगे तो मजा तो और भी मजा आएगा, और भी मजा, और बजाने का मजा करेगा, क्योंकि सब बच्चे सामने बैठे होंगे, आप लोग सामने बैठे होंगे, तो खुद जो है और जो मन करेगा। अभी सिर्फ मोबाइल में मैं देख रहा हूँ अपने आप को, तो ऐसा लगा है कि मैं अकेला बजा रहा हूँ, उसे रिस्पॉन्स को नहीं मिलता, ऑडियंस की होती तो वो लगता है थोड़ा, कोई नहीं, तो वो भी होगा जल्दी ही वो। तो मैं आपको एक कोई कुछ एंड में कुछ लाइट्स, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कुछ सुनाइए, या फिर एक वंदे मातरम की धुन सुना देता हूँ। हाँ, वंदे मातरम की धुन सुना दी, सब बच्चे खुश हो जाएंगे, सब बच्चे उससे अवेयर भी हैं। हाँ हाँ, मैं बस एक मिनट ट्यून कर लूँ राग किरवानी से, राग देश में। Thank you.
Great. Thank you so much. काफी काफी काबिले तारीफ वाली बात रही आज से. बहुत, एक तो सबसे पहली बात कि ऐसी जानकारी मिली जो हम लोगों को पता ही नहीं था कि सारंगी क्या होता है, धुन कैसे निकलता है इसमें, ये हमें नहीं पता था. और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला, उसके साथ साथ इंटरटेनमेंट. तो इन्फो इंटरटेनमेंट काफी अच्छा रहा सभी बच्चों के लिए. संगीता मैडम, यू वॉन्ट टू से समथिंग? या रियली, मुझे भी शायद मैं सामने से लाइव जरूर सुनी हूँ, लेकिन इस साज के बारे में इतना मुझे आज तक नॉलेज नहीं था. आज बहुत सारी जानकारी मिल गई. दुलकार सिंह साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने हाथ रेज किया है. सॉरी, आपने, बलकार सिंह साहब हैं एक हमारे इसमें पेरेंट है, वो कुछ कहना चाहते. जी जी नमस्कार, आप कुछ कहना चाहते हैं? आलोक सर, स्पेशली थैंक्स टू यू कि आपने मेरे को आज के प्रोग्राम में ऐड किया. दूसरा, मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी अच्छी धुन उन्होंने बजाई, और जो बच्चे डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं उन्होंने इस चीज का बहुत एंजॉय किया है. जैसा कि मैं कंटिन्यूसली देखता आ रहा हूँ कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं. तो ये धुन जो है, बच्चों की धुन इतनी अच्छी बनी हुई है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने हाथ से ही प्ले कर रहे हैं. वो म्यूजिक वो प्ले करना चाहते हैं लेकिन लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो प्ले नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और आई रियली अप्रिशिएट यू एंड मशवरा टीम. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू सर. थैंक यू. सो थैंक यू वेरी मच नबील साहब. काफी काबिले तारीफ था, और मैं क्या बताऊं, मैं तो ये कहूंगा, आपसे गुजारिश यही कर सकता हूं कि आने वाले समय में जब लगता है कि हमें जब ये थोड़ा कोरोना चला जाएगा तो हम लोग तो एक बार रूबरू होके जरूर आमने सामने होके हम आप लोग ये सुनना चाहेंगे मनोविकास में. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना. थैंक यू. ओके, चलिए. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू.